विद्युत उपखंड कार्यालय में सपाइयों ने धरना देकर किया प्रदर्शन। दोषपूर्ण विद्युत व्यवस्था में से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय युवा नेता अजीत सिंह यादव के नेतृत्व में विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार की दोपहर को विद्युत उपखंड कार्यालय में सपा के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और कार्यालय गेट में सपाइयों ने सरकार तथा विद्युत विभाग के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा खराब विद्युत आपूर्ति पर नाराजगी प्रकट करते हुए सुधारने की मांग उठाई। सपाइयों ने आरोप लगाया कि एक महीने से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, 10-10 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती तथा मनमाने तरीके से कनेक्शन काट दिए जाते हैं। अजीत सिंह यादव ने बताया कि विभाग पूरी तरह से निरंकुश हो गया है। एक घंटे के प्रदर्शन के बाद और धरने की वजह से विभागीय अधिकारी वहां से गायब हो गए। सर, आज जो आप लोग बिजली घर पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर क्या मांग है सर? हम लोगों की मांग ये है कि नगर कालपी में इन दिनों लगभग 5 से 6 महीने हो गए, लगातार लगभग 8 से 10 घंटे लाइट नहीं आ पा रही है लगातार। 15 मिनट के लिए आएगी, 2 घंटे के लिए चली जाएगी। इस तरीके से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जर्जर तार भी हैं जो कि लगातार फॉल्ट भी हो रहे हैं। पब्लिक परेशान है और इस भीषण गर्मी में जब लाइट नहीं आ रही है तो पानी भी नहीं मिल पा रहा लोगों, और पानी और बिजली न मिल पाने से नगर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन बीमारियों से जनता आज परेशान है, बिजली ना आने से जनता परेशान है और बिजली बिल बराबर आ रहा है और बिजली नहीं आ रही है। बिजली अगर आदमी 1 घंटे 10 यूनिट यूज कर रहा है तो उसको बिल 20 यूनिट का देना पड़ रहा है। जितनी बिजली खपत होती है उससे डबल आदमी को 10 गुना लगभग बिल देना पड़ रहा है, बिल से भी आदमी परेशान है। और कनेक्शन जो छोटे छोटे बकायेदार हैं उन लोगों के कनेक्शन रात के अंधेरे में बिजली विभाग के कर्मचारी छत पे चढ़ के काट आते हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पाता। ये जो तरीका है लोगों को बिना सूचना के उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं और जिनका बिल बकाया उनसे जबरन वसूली भी की जाती है और तमाम अनेकों कार्रवाई की जाती है और छोटे छोटे बकायेदारों की भी FIR कर दी जाती है, जिससे नगर की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। हम समाजवादी लोग जनता के हित में बिजली विभाग से ये मांग करते हैं कि अगर आप लोग बिल पूरा लेना चाहते हैं, बिल अगर आप सही लेना चाहते हैं तो कम से कम बिजली जितनी सरकार ने घोषित कर रखी है उतनी बिजली आपूर्ति हो और बिजली आपूर्ति के हिसाब से ही बिल लिया जाए। उससे ज़्यादा अगर बिल लिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि अगर आंदोलन बिजली विभाग नहीं मानता है तो इस बार क्या करेंगे सर? हम लोग जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं लगातार बैठे रहेंगे, आगे और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे।